ये 28 वर्षीय नवयुवक हैं, L4-5 डिस्क प्रोलैप्स हो गई है, जिससे इनको सियाटिका है, चलने में प्रॉब्लम है और कमर में हर समय दर्द रहता है। स्टार्टर 115 kg वेट, 115 किलो से कम करके इन्होंने अभी 90 किलो वजन कर लिया है, लेकिन जो जिस दौरान 115 किया था उस दौरान इनको डैमेज हो चुका है। तो अब 90 करने से काफ़ी लोड कम है वहाँ पर, और मैं इनको सजेस्ट कर रहा हूँ कि अभी 80 किलो वजन कर लें, तो जैसे इतना इन्होंने 25 किलो वजन निकाला है, 10 किलो और निकाल लेंगे। लेकिन अब इसके साथ हमें क्या करना है, इनकी बाकी 4-5 वीडियो बन चुकी हैं और अलग अलग डिफरेंट एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, तो एक ही दिन सब एक्सरसाइज नहीं कराई जा सकती। आज इनका ये छठवीं वीडियो है इनकी, और ये वीडियो के अंदर एक स्पेशल एक्सरसाइज करेंगे। आप अपनी बॉडी को हाथों पर उठाइए, ठीक, और ऊपर उठाइए बस, और पीछे देखिए, छत देखिए, फिर नीचे जाइए सांस निकालते हुए, इसको योगा के अंदर भुजंगासन कहते हैं। फिर उठाते जाइए, ऊपर जाइए, ठीक, फिर नीचे आइए। अब ये बेसिक एक्सरसाइज है, और इसके अंदर अब हम इसके अंदर कुछ चेंज करेंगे। अपनी पूरी बॉडी को उठाइए और हिप को हील पर रखिए, हिप को हील पर रखिए, बॉडी उठाइए, पूरी पीछे की बॉडी उठाइए, घुटनों से मोड़िए, ऊपर बॉडी, पूरी बॉडी उठा लीजिए, हाँ नहीं नहीं पैर वहीं रहने दीजिए, बॉडी, पूरी बॉडी उठाइए, हाँ हिप को हील पर रखिए, हिप को हील पर रखिए, ये उठाइए, ये उठाइए, इसको वहाँ ले जाइए, बैठ जाइए, हील पे बैठ जाइए। अब जमीन पे बैठिए, आप हील वहीं रहेगी, हील ही वहीं रहेंगी, हाथ आगे खिसकाइए, हाथ आगे खिसकाइए, ठीक। अब आप हील के ऊपर बैठ जाइए, हिप को पूरा टिका दीजिए हील के ऊपर, ठीक, हाथ आगे खींचिए, खींच लिया, अब कोहनी नहीं मुड़ेगी आपकी, कोहनी सीधी रहने देना, हाथ वहीं रहेंगे। अब बॉडी को उठा के लाइए, खड़े हो लाते जाइए, लाते जाइए, लाते जाइए, अब टुंडी को ज़मीन पर लगाइए, नहीं नहीं और फिर जैसे पहले भुजंगासन में आइए, यस, कोहनी सीधी, वेरी गुड, ठीक। अब फिर वापस जाइए वहीं पर, फिर बैठ जाइए हिल के ऊपर, बैठ जाइए, बॉडी को आगे से झुका के रखिए, तो और झुकाइए, नाक को ज़मीन पर लगाइए, हाँ वेरी गुड, और आगे हाथ खींचे जितना खींच सकते हैं, हिप को हील पे दबाइए, हिप को हील पे दबाइए, अब फिर हाथों को कस के दबा लीजिए, कोहनी सीधी रहेगी, उठ के आइए, कोहनी सीधी रहेगी, अब टुंडी को ज़मीन पर, कोहनी नहीं मोड़नी है, कोहनी नहीं मोड़नी है, और ऊपर ले जाइए, यस, समझ गए, फिर वापस जाइए, कोहनी बिल्कुल नहीं, कभी भी मुड़, कोहनी कभी भी नहीं मुड़ेगी, बैठ जाइए, हिप को हील पे बैठाइए, कंधों की कांखों को ज़मीन पे लगाइए, हाथों को आगे खींचिए, बैठ जाइए, इसको ध्यान में भर लीजिए, इस पोजीशन में आना है, फिर वापस आइए, कोहनी मत मोड़ना, कोहनी सीधी सीधी, कोहनी सीधी सीधी, अब टुंडी को ज़मीन पे लगाइए और सिर को ऊपर ले जाइए, वेरी गुड, बस अब सही कर लिया, और फिर वापस जाइए, एड़ी मिलाइए दोनों, एड़ी के ऊपर हिप रखिए, ठीक, फिर वापस आइए, फिर वापस आइए, फिर वापस आइए, कोहनी क्यों मुड़ जाती सर आपकी, कोहनी नहीं मुड़ेगी, ठीक, समझ में आ गई, फिर करो सही करो, तब सही मानी जाएगी तब, हाँ जाओ वापस, हाँ जाओ, ठीक, फिर वापस आओ, फिर वापस आओ, हाँ ऊपर करो, वेरी गुड, अब सही कर लिया, अब इसी में थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा, हाँ अब बॉडी को उठाओ, बस यहीं तक, हाँ थोड़ा और पीछे जाओ, बस बस, हाथ थोड़ा और पीछे ले जाओ, तो हाथों को थोड़ा पीछे खिसका, बस अब आपकी बॉडी 4 खम्भों पर टिकी हुई है, आगे की 2 बाहें और पीछे की 2 घुटने, ठीक है, इनमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, ठीक, अब कमर को बीच में से नीचे झुकाएंगे, टुंडी के लेवल पे झुकाओ और सिर ऊपर ले जाओ, जितना ऊपर ले जा सकते हो छत देखो, और टुंडी को जितना नीचे दबा सकते हो दबाओ, कोहनी सीधी, कोहनी नहीं, कोहनी कोई मूवमेंट नहीं, ठीक, अब टुंडी को घुटना नीचे से झुकाओ, ठुड्डी को सीने से लगाओ और बीच में से ऊपर उठाओ, बीच में से उठाओ, ऊपर ऊपर उठाओ, ऊपर और ऊंचा सिर और नीचे दबाओ, वेरी गुड, और फिर रिवर्स करो, वेरी गुड, फिर रिवर्स करो, इसको कैट एंड कैमिल पोस्चर कहते हैं, ये स्पाइन के लिए बहुत अच्छी है, जितना अधिकतम कर सकते हो, पेट को जितना नीचे दबा सकते हो, गर्दन ऊपर,
अब गर्दन को नीचे सीने से चेन लगाओ, बीच में से ऊपर उठाओ उठाओ और उठाओ और ऊंचा उठाओ और ऊंचा उठाओ और ऊंचा उठाओ। तो ये एक बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। ठीक, आज का पोजिशन ये हो गई। ठीक, मैं डॉक्टर सुभाष सल, ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन जॉइंट केयर, A74 सरता विहार, न्यू दिल्ली, मोबाइल 9810124433, लैंड 9011424300006।